सो फाइनली हमारे संजू बाबा की एक और मूवी आ रही है OTT प्लेटफॉर्म पे धूम मचाने के लिए। एंड आई होप कि इस बार ये मूवी सड़क 2 की तरह मेरी मूड की माँ बहन ना कर दे। हेलो गाइस, दिस इज शिव एंड स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव टॉकीज पे। तो भाई आप इधर उधर की बातें ना करके सीधा ऑन पॉइंट मुद्दे की बात करते हैं, लेकिन अगर उससे पहले आप चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे से दिखने वाले आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मेरे बनाए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलो अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो बंधुगण, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल संजय दत्त साहब की एक नई मूवी का ट्रेलर आ चुका है जिसका नाम है तोरबाज। डायरेक्टर गिरीश मल्लिक के द्वारा बनाई गई ये मूवी बेसिकली एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसके लीड कैरेक्टर्स में आपको दिखेंगे संजू बाबा यानी कि हमारे संजय दत्त, उनके साथ दिखेंगे नरगिस फकरी एंड राहुल देव। बात करें ट्रेलर की तो भाई ट्रेलर में जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया वो था इसका विजुअल। ओ भाई, मतलब एक नंबर पूरा। वो चॉपर का शॉट, फिर एक्सप्लोशन का शॉट और फिर अंत में जो सोल्जर्स का शॉट दिखाया गया है, मतलब भाई दिल खुश हो गया मेरा पूरा ट्रेलर देखकर। और सेकेंडली संजय सर की डायलॉग डिलीवरी, पूरा पैसा वसूल है भाई। एक सेंटेंस में कहूँ तो मुझे मजा आ गया ट्रेलर देखकर। ट्रेलर्स में दिखाया गया सीन्स के अनुसार तो यही लगता है कि संजय सर किसी रिफ्यूजी कैंप के बच्चों को जो कि आतंकवाद का शिकार हो रहे हैं और ह्यूमन बम्स बनकर किसी दूसरे के इशारे पे दुनिया में तबाही मचा रहे हैं, और उन सारे बच्चों को हमारे संजू बाबा जो है वो आतंकवादी बनने से रोकना चाहते हैं, आतंकवाद से दूर रखना चाहते हैं और उनको एक अच्छा भविष्य देना चाहते हैं, और इसीलिए वो बच्चों को आतंकवाद से अलग करके क्रिकेट का खेल सिखा रहे हैं ताकि वो आगे चलकर कुछ बन पाए। और दूसरी तरफ राहुल देव जो कि इस मूवी में एक आतंकवादी के गिरोह का लीडर का किरदार निभा रहे हैं और वो बच्चों को आतंकवाद के राह पर कैसे आगे बढ़ना है ये सिखाना चाहते हैं। और इसी बात पर हमारे संजू बाबा और राहुल देव के बीच की इस मूवी में लड़ाई दिखाई जाएगी। साथ ही नरगिस फकरी का इस मूवी में क्या किरदार है वो तो भाई आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा बॉस। जिस तरीके से डायरेक्टर गिरीश साहब ने मूवी को शूट किया है वो बहुत लाजवाब है, और कहीं ना कहीं ये ट्रेलर देखते वक्त आप उससे बन जाओगे, ट्रेलर आपको पकड़ कर रखता है। साथ ही मूवी की सिनेमेटोग्राफी और इसका बैकग्राउंड म्यूजिक ये भी काफी तगड़ा है भाई। बाकी मूवी कैसी है ये तो आपको 11th ऑफ दिसंबर को ही पता चलेगा, क्योंकि मूवी जो है वो नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो रही है 11th December 2020 को। पहले तो ये सुनने को भी आया था कि मेकर्स जो है वो मूवी को थिएटर में रिलीज करना चाहते हैं, लेकिन कोविड की ऐसी मार पड़ी है कि कोई भी मेकर्स जो है अपनी मूवी थिएटर में रिलीज करने का रिस्क नहीं उठाना चाहता और वो सीधे OTT प्लेटफॉर्म में जो है मूवी को रिलीज कर रहे हैं। तो भाई आशा है कि इस बार हमारे संजू बाबा की ये मूवी एक अलग ही रंग लाएगी, और आई होप, मैं दुआ कर रहा हूँ भगवान से कि ये मूवी भी मुझे सड़क 2 मूवी की तरह डिसअपॉइंट ना करे और मुझे ये मूवी देखने में मजा आए। बाकी अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ आपको इस मूवी का ट्रेलर कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। मैं मूवी के ट्रेलर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे से दिखने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मेरे बनाए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे, मैं यहाँ पे हर किसी के मैसेज का रिप्लाई करता हूँ। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।